नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय का एक दुखद समाचार आपके साथ साझा करते हुए पुंछ के सूरन कोट से भाजपा उम्मीदवार सैयद मुश्ताक बुखारी का आज एक लंबी बीमारी के चलते दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। आपको बता दें कि ये कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं और दो बार विधायक भी थे सैयद बुखारी, और लंबे समय से एनसी में एक बड़ा कद रखने वाले सैयद मुश्ताक बुखारी, आज उनका निधन हो गया है। और 2022 में एसटी स्टेटस को लेकर काफी नाराजगी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इनकी रही है, और फिर उसके बाद इन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। लेकिन एक बड़ा नाम और कदकाठी रखने वाले सैयद मुश्ताक बुखारी ने आज दुनिया से अलविदा कह दी है। 75 साल के थे और लंबी बीमारी के बाद जो है दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। और आज जो है एक गमगीन लहर जो है पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय दौड़ चुकी है, और इस समय आपको बता दें कि सभी नेता जो है उनके घर की ओर रुख कर रहे हैं, चाहे उनका परिवार हो या चाहे राजनीतिक दल हो, सबकी आंखें इस समय उनके निधन के बाद जो है नम सी नजर आ रही हैं। और इस समय असेंबली चुनाव का जो बिगुल था उसमें ये बिगुल बजा था, और उसके बाद जो है 88 निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार थे सोरन कोट से, और अब जो है उम्मीद जहां 8 तारीख को अब फैसला होने वाला था, तो ऐसे में उससे पहले ही सैयद मुश्ताक बुखारी जो है वो दुनिया को अलविदा कह गए, और कई नेताओं ने इनके जो निधन पर जो है शोक व्यक्त किया है। बड़ी कदकाठी रखने वाले सैयद मुश्ताक बुखारी आज जम्मू कश्मीर की जनता को अलविदा कह गए। लंबी बीमारी से ये जूझ रहे थे और दिल का दौरा पड़ने से इनका जो है निधन हो गया। 75 साल के थे सैयद मुश्ताक बुखारी, और बड़े बड़ी कदकाठी रखने वाले नेता माने जाने वाले नेता माने जाते थे एनसी में। लंबे समय तक ये एक बड़ा रोल प्ले था इनका, और विधायक भी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ साथ दो बार विधायक भी रह चुके थे, और अब सोरन कोट से भाजपा के उम्मीदवार सैयद बुखारी जो थे वो लड़ रहे थे। और 8 तारीख का जो है अब इंतजार हो रहा था कि 8 अक्टूबर को क्या रिजल्ट आता है, लेकिन उससे पहले ही जैसे ही कल विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण खत्म हुआ तो आज सैयद मुश्ताक बुखारी जो है उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस समय की बड़ी खबर जो हमने आपके साथ साझा की है, उनके परिवार के साथ साथ इस समय राजनीति में भी एक शोक की लहर जो है वो दौड़ गई है। सैयद मुश्ताक बुखारी जो राजनीति में एक बड़ी कदकाठी रखने वाले व्यक्ति थे, बहुत बड़ा नाम था राजनीति में इनका, एनसी में लंबे अरसे तक इन्होंने जो है टाइम दिया है एनसी को, और एनसी में ये कैबिनेट मिनिस्टर के साथ साथ दो बार विधायक भी रह चुके हैं, और उसके बाद जो है एसटी स्टेटस को लेकर एनसी के साथ लगातार इनकी जो है नोकझोंक चल रही थी, और 2022 में इन्होंने एनसी को अलविदा कहकर अभी कुछ ही देर पहले भाजपा का दामन थामा था, और सोरन कोट कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये उम्मीदवार थे। और क्या यही आप इस समय की बड़ी खबर है कि सैयद मुश्ताक बुखारी जो बड़ी कदकाठी रखने वाले एक बड़े नेता थे उन्होंने अब दुनिया को अलविदा कह दिया है। तो सभी से ये अपील रहेगी कि इनके परिवार को जो है भगवान शांति दे, और आप इनकी जो शांति के लिए हर कोई भगवान से प्रार्थना करे। तो इस समय की बड़ी अपडेट जो हमने आपके साथ साझा की, इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।